दोस्तों थक नहीं गए आप लोग? कई सारे सवालों के जवाब मेरी बातचीत में आ जाएंगे। मित्रों, आज दोपहर से अनेक विषयों पर जितनी जानकारियां जहां से उपलब्ध करा सकते हैं इकट्ठी की, उसका एनालिसिस किया। कई लोगों से उन्होंने कंसल्ट किया होगा, डिबेट किया होगा, और फिर वो टीम इस नतीजे पर आई होगी कि ये सॉल्यूशन अच्छा रहेगा। यहां जो प्रस्तुत किया गया उससे भी ज्यादा अनेक विचार आपके मन मस्तिष्क में आए होंगे। इतना ही नहीं, जब आप शिक्षा के लिए सोचते होंगे तब इस मंच पर आप किस प्रकार से पेश आएंगे, जूरी आपको कैसे देखेगी, ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उससे ज्यादा जब आप शिक्षा पर सोचते होंगे, प्रेजेंटेशन तैयार करते होंगे, तब आपके दिलो दिमाग में वो गरीब बच्चा दिखता होगा, आपको उसकी चिंता सताती होगी। आप जब फूड सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन के विषय पर प्रेजेंटेशन तैयार करते होंगे, मुझे विश्वास है आपके दिल दिमाग में वो कुपोषित बच्चे होंगे, वो कुपोषित सगर्भा माता होगी, हमारे देश के तरुणों की उस अवस्था आपके मन में होगी, आपके भीतर एक पीड़ा होगी, दर्द होगा, एक संवेदना होगी, तब जाकर के इस विषय पर काम करने का आपका मन लगा होगा। मित्रों, जब मैं ऑफिस का प्रेजेंटेशन से शुरू हुआ, शायद ही दिल्ली में इतने बड़े समूह ने कभी भी नॉर्थ ईस्ट के विषय में कभी सोचा भी नहीं होगा। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी आया ही नहीं होगा। यहां पर और जो सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, मैं आपको बधाई देता हूं दोस्तों। मैं बड़ा लंबा भाषण ना करूं, हल्की फुल्की बातें करूंगा तो चलेगा ना? डायलॉग के रूप में करूं तो चलेगा ना? क्योंकि यहां का माहौल देखते हुए मुझे भाषण करने के लिए तो बहुत अवसर मिलते हैं, बातें करने के लिए बहुत कम अवसर मिलता है। मैं अपने पन से कुछ बातें बताना चाहता हूं। आज दो वर्ष पूर्व मैंने नॉर्थ ईस्ट के सभी चीफ मिनिस्टर्स को एक चिट्ठी लिखी थी और मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि आपके स्टेट में से 200 विमेन पुलिस हर स्टेट से आप 2 साल के लिए प्रोबेशन पर गुजरात दीजिए, उनकी पूरी व्यवस्था हम करेंगे, उनका तनख्वाह हम देंगे, और हमेशा 200 विमेन पुलिस गुजरात में रहे, उस प्रकार से उसको चेंज करते रहेंगे, 200 आएंगे फिर वो जाएंगे फिर दूसरे आएंगे, और सभी राज्यों से 200 200। और तब मैंने ये लिखा था तो मेरे मन में एक ख्याल था कि एक नॉर्थ ईस्ट में इंग्लिश स्पीकिंग विमेन पुलिस
अगर मेरे गुजरात में मुझे मिलती है तो मैं उसको टूरिज्म पुलिसिंग के लिए डेवलप करना चाहता था। ये नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा अभियान था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ऐसे 1500-1600 लोग मेरे यहां रहेंगे, तो उसके स्वाभाविक एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, रहन सहन, भाषा, वहां की बातें एक बड़े समूह को परिचित कराती है। और दूसरा मेरे मन में था कि गुजराती आर द बेस्ट टूरिस्ट, आप कहीं पर भी जाइए आपको कैंचो मिल ही जाएगा। फाइव स्टार होटल में बैठ करके घर का डिब्बा खोल करके वो थेपला और ढोकला खाता होगा। तो मेरे मन में सोच ये थी कि ये जो लड़कियां एज ए पुलिस यहां आएगी, उनका जिन परिवारों से परिचय होगा 202 साल में, स्वाभाविक रूप से वे टूरिस्ट स्वभाव के होने के कारण नेचुरल कोर्स में उसके गांव जाएंगे और सहज रूप से नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म डेवलप होगा, यहां हमारे टूरिज्म को वैल्यू एडिशन होगा और वहां के टूरिज्म के लिए एक दरवाजा खुलेगा। ये स्कीम मैंने सभी मुख्यमंत्रियों के सामने रखी थी। और मित्रों, मेरा एक कन्विक्शन है कि टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। उसमें जोड़ने की ताकत हो। और आपने नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देकर के कितनी बड़ी सेवा हो सकती है, एक उत्तम विचार सबके सामने रखा है। और इस अर्थ में मैं कहता हूं कि ये जो पूरे दिन भर का मंथन है, वो मंथन सरकारों को क्या होता है, इस प्रकार का काम करवाने के लिए सरकारों में एक फैशन है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और फिर उसी से वहां से पाया हुआ सरकारों में चलता रहता है। ये एक ऐसा प्रयोग है और एक प्रकार से एक ऐसी शुरुआत है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट और पॉलिसी मेकिंग में जब जनता जनार्दन का जुड़ना हो जाता है। आजकल नई दुनिया में क्राउड सोर्सिंग शब्द बड़ा प्रचलित है। हमने गुजरात में एक छोटा सा प्रयोग किया था। सरकार में एक सीक्रेसी का स्वभाव होता है, एक टेबल वाला दूसरे टेबल वाले की चीज न देख जाए इसके लिए भी बड़े कॉन्शियस होते हैं। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट को पता न चल जाए इसके लिए पता नहीं कैसी साइकोलॉजी बनी है, समझ नहीं आता मुझे। हमने कहा कि भाई गुड गवर्नेंस की पहली शर्त होती है ओपननेस इन गवर्नेंस, खुलापन चाहिए। और इसलिए हमने क्या किया, जो ड्राफ्ट पॉलिसीज होती है हमने कहा उसको ऑनलाइन रखो। सरकार में पॉलिसी को इतना सीक्रेट रखने की फैशन है, लास्ट मोमेंट कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले उस प्रकार से ले आते हैं और चीफ मिनिस्टर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बड़ा तामझाम से प्रेस करेगा, यही परंपरा थी। हमने उस परंपरा को तोड़ दिया। हमने कहा ड्राफ्ट पॉलिसी को ऑनलाइन रखो और सभी स्टेक होल्डर को बताओ उसमें उनको क्या कहना है। अनुभव यह आया कि क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स वो अपने इनपुट देने लगे। कई बार सरकार में बैठे हुए लोगों की सोच की जो मर्यादा थी वो मर्यादाओं के बाहर के विषय आने लगे और एक तरफा अगर कोई चीज जा रही है
तो दूसरे ने उसको रोक लिया और बाय एंड लार्ज एक समाज का राज्य का भला करने वाली पॉलिसीज इवॉल्व होने लगी। ये प्रयोग हमें इतना सफल हुआ है कि आज हमें पॉलिसी फ्रेम करने के बाद अभी तक हमें पीछे हटना नहीं पड़ा है। क्यों? जनता ने वो पॉलिसी बनाई। ये प्रयोग, यंग माइंड की तरफ से आई हुई सारी बातें कभी न कभी तो हमारे देश में पॉलिसी मेकर्स को जरूर उस रास्ते पर जाना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। दुनिया के जो भी समृद्ध देश हैं, दुनिया के समृद्ध देशों में पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। मान लीजिए अमेरिका को भूटान के लिए कोई पॉलिसी बनानी है तो पहले अमेरिका की 10 यूनिवर्सिटियां साल भर भूटान में जाएगी, भिन्न भिन्न विषयों पर स्टडी करके रिपोर्ट देगी और जो पॉलिसी मेकर्स होंगे वो उसके आधार पर निर्णय करके फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। अब फिर सरकार तय करती है, हाँ भाई ग्रास रूट लेवल से इतनी जानकारी आई है, हम इस दिशा में जाएंगे। हमारे देश में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, सोचने वाले एक जगह पर है, निर्णय करने वाले दूसरी जगह पे है और काम करने वाले तीसरी जगह पे है। इन सबको जब तक हम एक सूत्र से नहीं जोड़ते हैं, मीटिंग ऑफ माइंड्स, इस पर हमारा अगर बल नहीं है तो ये बिखराव समस्याएं पैदा करता है। जैसे हमने एक प्रेजेंटेशन देखा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के सामने, मुझे प्रधानमंत्री जी ने काम दिया था, जब महंगाई कंट्रोल हो नहीं रही थी तो वो चाहते थे कि महंगाई कंट्रोल हो, उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी, मुझे उसका चेयरमैन बनाया। हमने 8-9 महीने तक अनेक प्रकार के स्टडी किए, मीटिंगें की, और मेरा थोड़ा स्वभाव है वर्कहोलिक हूँ, बहुत फोकस एक्टिविटी करता हूँ, तो काफी मेहनत की। हमने रिपोर्ट उनको दिया और रिपोर्ट दिया उसको भी करीब करीब 2 साल हो गए। बाकी क्या हुआ होगा मुझे कहने की जरूरत नहीं। उसमें मैंने 62 एक्शनेबल पॉइंट दिए हैं। जैसे एक मैंने उनको सुझाव दिया था, ये आपका पीडीएस का मैंने पढ़ा, इसलिए बता रहा हूं। मैंने एक सुझाव दिया था कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको डीबंगलिंग करने की जरूरत है। हमने कहा उसके 3 हिस्से करते हैं, खरीदने वाला अलग, रख रखाव करने वाला अलग और बांटने वाला अलग। एक दूसरे पर नजर रहेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारा काम ठीक। हमने एक उनको सुझाव दिया था कि हमारे पास रियल टाइम डाटा ही नहीं है। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी इतनी तेज काम कर रही है, हमारे आईटी एक्सपर्ट अमेरिका का भला कर रहे हैं, सारे दुनिया को नए नए सॉफ्टवेयर बना करके सॉल्यूशन दे रहे हैं, हमारे देश में हमारी खाद्यान्न की स्थिति क्या है, कहां कितना स्टॉक है, कितनी रिक्वायरमेंट है, इसका कोई रियल टाइम डाटा नहीं है। मैंने उनसे प्रार्थना की कि हम टेक्नोलॉजी नेटवर्क खड़ा करें, रियल टाइम डाटा के लिए हम आग्रही बने और तब जाकर के हम तय कर सकते हैं कि किस जगह पर किस चीज की जरूरत है। हमें पता होता है कि ये इलाका है जहां गेहूं का कंजम्पशन ज्यादा है,
ये इलाका है जहाँ चावल का कंजम्पशन ज़्यादा है, हम मैप कर सकते हैं कि चावल ग्रो करने वाले इलाके कौन से हैं, गेहूँ ग्रो करने वाले इलाके हैं। समय रहते जब लल सीजन होता है, जब अब जैसे बारिश के दिन होते हैं, बारिश के दिनों में हमारे देश में नमक ट्रांसपोर्टेशन कम होता है, सॉल्ट का आना जाना कम हो जाता है, तो उस समय आपकी कई ट्रेन खाली रहती है। उस समय अगर आप गेहूं सप्लाई करके कहीं स्टॉक कर देते हैं तो वहां जब गेहूं की जरूरत होगी सुविधा बढ़ेगी। छोटी छोटी बातें हैं मित्र। कुछ लोग मुझे सवाल पूछते विजन क्या है, ये विजन है मित्रों, समस्याओं के समाधान खोजना, इसके लिए हमारे यहां प्रयास नहीं होता है। और उसी का नतीजा है कि हम संकटों में उलझे रहते हैं। यहां पर सैनिटेशन को लेकर के बहुत चिंता जताई, बहुत स्वाभाविक है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच क्रिया के लिए जाना पड़े, क्या इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी की बात हो सकती है? क्या किसी को भी पीड़ा होती है? लेकिन जिस देश में गांधी जी जीवन भर स्वच्छता सफाई इसके लिए जीते रहे, जीवन भर इसकी प्राथमिकता थी, उस देश में हम इस स्थिति में है। मित्रों, मेरी पहचान तो है हिंदुत्ववादी की, लेकिन मेरी रियल सोच क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने मेरे राज्य में बड़े हिम्मत के साथ एक बात कही है और लगातार कहता हूं, जो मेरी छवि है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन मैं करता हूं। मैं कहता हूं पहले शौचालय फिर देवालय। हर गांव में लाखों रुपयों के देवालय तो है लेकिन शौचालय नहीं है। मित्रों, समाज में इस हिम्मत के साथ, और लीडर्स की यही तो क्वालिटी होती है, उसमें हिम्मत चाहिए। समाज की कठिनाइयों के समय नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने का, नई राह पर जाने का हिम्मत चाहिए। मित्र, हमारे देश में आमतौर पर बजट, उस पर बड़ी चर्चा होती है, लेकिन हमारी सीमा आउटले तक ही है। जब तक हम आउटकम पर फोकस नहीं कर सकते हैं तब तक हम परिणाम नहीं। और इससे भी आगे हमें क्वालिटी ऑफ द लाइफ में चेंज लाना है तो आउटले से आगे बढ़कर के आउटकम पर जाने पड़ेगा, और आउटकम से भी आगे एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो है सोशल ऑडिट। जैसे मान लीजिए बजट में तय हुआ कि उस गांव में कुआं बनाना है, आउटले हुआ, आउटकम हुआ कुआं बन गया, पानी है, लेकिन सोशल ऑडिट होना चाहिए कि सचमुच में इस कुएं के पानी का उपयोग करने वाले लोग हैं क्या, वहां पानी का उपयोग हो रहा है क्या, कहीं किसी कॉन्ट्रैक्टर की भलाई के लिए तो कुआं नहीं खोदा गया। इसलिए आउटले, आउटकम एंड सोशल ऑडिट, ये हमारे शासकीय जीवन में हमें इंडक्ट करना अनिवार्य हो गया है, तब जाकर के
फैसला सही था या नहीं, सचमुच में लोगों के उपयोग के लिए था कि नहीं, यह हम कर सकते। मित्रों, आज यहां पर अर्बन डेवलपमेंट की काफी चर्चा हुई। हम सदियों से देखें तो जहां जहां पानी होता है वहां मानव बस्ती बसती है। सारी संस्कृतियां, मानव विकास की यात्रा नदियों के किनारे पर है या समुद्र के तट पे है। बाद में युग बदला और जहां जहां से सिक्स लेन हाईवे जाने लगे वहां बस्तियां बसने लगी, शहर वहां बसने लगे, बदलाव आया। मित्रों, आने वाले दिनों में जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरेगा वहां बस्तियां बसने लगेगा। ये बदलाव आने वाला है और इसलिए डिजिटल वर्ल्ड हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। गांव तक लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ दूर सुदूर हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे सकते? मेरा अनुभव है मित्रों, हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस काम को कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कारण अब कोई दूर का सपना नहीं है, इसको हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। यहां एग्रीकल्चर की चर्चा हुई, उसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड इसकी चर्चा हुई। मैं कुछ लिखता तो नहीं था लेकिन बैठे बैठे सुन रहा था, मुझे याद है, इतना मैं बताता हूं। मित्रों, हमारे देश में टोडरमल, इतिहास में कहते हैं कि टोडरमल ने जमीन को नापने का बहुत बड़ा काम किया था। पढ़े हो ना इतिहास? टोडरमल का नाम सुना है ना? इस तरफ सुना है, उस तरफ नहीं सुना? टोडरमल के जमाने में, उसके बाद पिछले कई सदियों से एक परंपरा रही है कि हर 30 वर्ष में एक बार जमीन की स्थिति को नापना चाहिए, उसमें क्या बदलाव आया है, कहीं नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, पानी नदी में परिवर्तित हो गई, कहीं पर मकान बन गए, बदलाव आ गए। हर 30 वर्ष में एक बार जमीन नापनी चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना है हमारे देश में पिछले 100 साल में जमीन नापने का काम नहीं हुआ। आजाद भारत में तो शुरू करना चाहिए था, नहीं हुआ मित्रों। और उसके कारण क्या हुआ है? जो जमीन का किसान मालिक है उसके मन में हमेशा टेंशन रहता है कि मेरी जमीन कितनी, और फिर उसके कारण वो बड़ी बड़ी बाड़ लगा देता है। और दो खेत के बीच में इतनी बड़ी मात्रा में हमारी जमीन वेस्टेज जाती है इसी कारण से, क्योंकि उसको लगता है वो घुस जाएगा, इसको लगता है वो घुस जाता है, और दोनों एक दूसरे को घुसने का बचाने के लिए बीच की सारी जमीन बर्बाद करके बैठते हैं। क्यों ना हम खेती को तीन हिस्सों में बांटना चाहिए। अगर हम, जैसे एक सवाल यहां आया कि किसान जो आत्महत्या करते हैं उसका उपाय क्या, मैं बताता हूं, तीन हिस्सों में बांटना चाहिए। 1/3 रेगुलर फार्मिंग, 1/3 एनिमल हस्बेंड्री, गाय भैंस बकरे ऊंट मुर्गी जो भी उसको, फिशिंग जो भी उसको कर सकता है वो करे, फिशरीज का, और 1/3 एग्रोफॉरेस्ट्री। ये जो खेत के किनारे पर बाड़ लगा करके जमीन बर्बाद करते हैं, डिमार्केशन के लिए अच्छे पेड़ लगाने चाहिए। और आज अभी अरुण जेटली जी करंट अकाउंट डेफिसिट की बातें करते थे ना, उसमें एक इंपोर्ट में साहब आपको हैरान होंगे, हमारा देश
मकान में उपयोग आने के लिए, फर्नीचर के उपयोग में टिम्बर इंपोर्ट करता है। अगर हम केयरफुली दो खेतों के बीच की जो जगह है वहां अगर एग्रो फॉरेस्ट्री करके टिम्बर ग्रो करें जो हमारे फर्नीचर और घर के जरूरत काम में आए, मित्रों किसी भी किसान को कभी आत्महत्या करने की नौबत नहीं। हमारा एक और दुर्भाग्य रहा है मित्रों, कभी कभी लगता है हमारा ज्ञान गोल्ड मेडल के लिए होता है, डॉक्टर लिखवाने के लिए होता है, या वो रिसर्च हमारी जो है वो उसका ग्रंथ लाइब्रेरी में रखने के लिए काम आता है। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। जब तक हम लैब टू लैंड इस कंसेप्ट की ओर बल नहीं देते हैं और हर नई खोज को किसान तक पहुंचाते नहीं हैं, तब तक हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डर 200 साल पुरानी पद्धति से हम चल रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत आवश्यकता है। मजदूर खेती में काम करने की संख्या कम हो रही है। हमारे यहां देश में आईटीआईज में एग्री सेक्टर को रिक्वायर ऐसे आईटीआई के कोर्सेज ही नहीं है। वो टर्नर फिटर प्लंबर सब बनाएंगे, लेकिन किसान को खेत में जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेकर आईटीआई में छोटे छोटे सब्जेक्ट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, तब जाकर हम उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं। भाइयों बहनों, विषय बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर उसको अगर तरीके से किया जाए। अब यहां एक चर्चा आई यूथ एम्प्लॉयमेंट की, किसी एक नौजवान ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। मित्रों सारी दुनिया में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार कहते हैं कि $3 ट्रिलियन के टूरिज्म इंडस्ट्री की संभावनाएं पड़ी है विश्व में। $3 ट्रिलियन एक कोई छोटी अमाउंट नहीं है मित्रों। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी विरासत, लेकिन हम विश्व के टूरिस्ट को आकर्षित करने में सफल नहीं हो रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हम बल दें, हम टूरिज्म पर फोकस करें, और जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले, अतिथि देवो भव की बात करने वाले, हम स्वाभाविक रूप से कोई अनजान व्यक्ति को भी बड़े आत्म सम्मान के साथ बुलाने वाले लोग, आज विश्व को हम कैसे आकर्षित करें। मित्रों हमारे नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इतनी संभावनाएं हैं, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रोजगार की संभावना ये टूरिज्म सेक्टर में है। अगर इन बातों को हम बल देते हैं, मुझे विश्वास है मित्रों हम बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। यहां एक सवाल बड़ा मजेदार किसी ने बड़ा तरीके से पूछा, वो स्टूडेंट शायद आगे जाकर के पत्रकार होना चाहता होगा। उसने पूछा कोई क्रिमिनल कैंडिडेट हो, पार्टी हमें पसंद हो, तो हमें वोट किसको दे? पार्टी अच्छी है लेकिन कैंडिडेट ठीक नहीं, क्या करें? आपका ये टेंशन सुप्रीम कोर्ट ने मिटा दिया है। मैं हैरान हूं मित्रों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार को हिंदुस्तान की जनता की नब्ज पर उनको कोई पहचान नहीं है, वरना ये ऑर्डिनेंस निकालने की गलती नहीं करते। आप मुझे बताइए, आप किसी क्रिमिनल को आपका नेता चुनने को तैयार हो? कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन उनके नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ है। जूते भी खाए, प्याज भी खाई। और बीच में
में प्रधानमंत्री की पगड़ी उछालती वो अलग, अमेरिका में प्रधानमंत्री की बात करने की हौसला ताकत चली गई वो बात किया वो अलग। मित्रों, ये देश राजनीति में शुद्धिकरण चाहता है, ये देश साफ सुथरी सरकार चाहता है, कुछ लोगों को चिंता रहती है कि भ्रष्टाचार कैसे जाएगा। मित्रों, बहुत आसानी से जा सकता है, एक बार हम तय करें कि इस पाप में हमें पड़ना नहीं है और ऊपर से तय करें, ऊपर जो बैठा है वो तय करे, यहां ऊपर नहीं। मित्रों, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसपेरेंसी में बहुत काम आती है। मैं यहां देख रहा था आपके अधिकतम प्रेजेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी पर बल है, इसका मतलब कि हिंदुस्तान के नौजवान का मिजाज ये गफलेबाजी को सहन करने को तैयार नहीं है। दो काम कम हो गए तो उसका मंजूर है, लेकिन बेईमानी मंजूर नहीं है इस देश को, ये तय हो जाए। मित्रों, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसपेरेंसी में बहुत मदद कर सकती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, गुजरात और महाराष्ट्र, जिस हाईवे पर गुजरात का चेक पोस्ट है उसी हाईवे पर 2 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है। जो व्हीकल गुजरात के चेक पोस्ट से गुजरता है वही व्हीकल महाराष्ट्र के चेक पोस्ट से भी गुजरता है। जितना रेट गुजरात का है टैक्स, उतना ही टैक्स महाराष्ट्र का है, लेकिन गुजरात की इनकम गत 2-3 साल में महाराष्ट्र से उस चेक पोस्ट पर 600 करोड़ रुपया ज्यादा है। एक ही रोड टैक्सेशन वही, व्हीकल उतने ही, लेकिन हमारी कमाई 600 करोड़ ज्यादा है, क्यों? मित्रों, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, ह्यूमन इंटरवेंशन को हमने रोका। गांधीनगर में बैठ करके हम उस चेकपोस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, कौन आया कौन गया क्या चल रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग ट्रांसपेरेंसी में बहुत काम आ सकता है। और इसलिए मित्रों, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान यहां पर, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात हुई, मैं एक चीज लोगों से सीखा था। मैं नया नया मुख्यमंत्री बना, अब हम तो मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री का चैम्बर भी नहीं देखा था, कभी जिंदगी में चुनाव लड़ना सोचा नहीं था, न हम स्कूल में भी कभी चुनाव लड़े थे, मॉनिटर का भी चुनाव नहीं लड़े थे। तो हमारी फितरत नहीं थी, हम बन गए हैं मुख्यमंत्री। और उस समय गुजरात में भूकंप के बाद मेरे जिम्मे काम आया था, तो शपथ लेने के तुरंत बाद मैंने पहला काम किया कच्छ के भूकंप पीड़ित लोगों से मिलने का। बहुत बहुत बड़ा प्रकार था, हजारों लोग मर चुके थे, लाखों घर तबाह हो चुके थे। वहां मैं गया तो वहां समाज के लोगों से मैंने इंटरेक्शन शुरू किया, उनसे सुन रहा था उनको क्या चाहिए, क्या मुसीबत है, समझना चाहता था। एक इंटरेस्टिंग बात, एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप से जब मैं मिला तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा साहब हम तंग आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम पिछले 50 साल से कोई भी नेता कच्छ आता है, कोई भी सरकारी आदमी कच्छ में आता है, तो वो हमारे साथ
सीमावर्ती जिला पाकिस्तान सिक्योरिटी यही बातें करता है, वही इमोशनल विषयों पर भाषण देता है, वही अखबार छापते हैं और चला जाता है। वो कहे मोदी जी कम से कम आप ये सब बंद कर दीजिए, आप ये पाकिस्तान ये सिक्योरिटी ये बॉर्डर ये बंद कीजिए और उसके बाद आप किसके लिए सोचना शुरू करिए, आपको एक नई सोच आएगी। मैं मित्रों रात भर सोचता रहा, सही बात थी, हम जब भी कच्छ की बात करते थे तो बॉर्डर सिक्योरिटी पाकिस्तान यही बातें घूमती थी मन में। मित्रों उस दिन से मैंने तय किया कि मैं कच्छ की इन बातों से उलझूंगा नहीं, मैं सिर्फ कच्छ के विकास के लिए फोकस करूंगा। मित्रों भूकंप में पीड़ित हो जिला 2001 में तबाह हो चुका था। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि समृद्ध देश भी इस प्रकार की कैलेमिटी के बाद उसको बाहर निकलने में मिनिमम 7 ईयर लगते हैं, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। मित्रों गुजरात में कच्छ 3 साल के भीतर भीतर दौड़ने लग गया। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद भी, इतने बड़े संकटों के बाद भी अगर कच्छ को बाहर निकाला जा सकता है, और तब से मेरा कॉन्फिडेंस इतना हो गया है कि मित्रों समस्याओं के समाधान हमारे पास है, हमारे लोगों के पास है, सिर्फ उनको दिशा देने की जरूरत है। मित्रों आज देश में यहां पर एक विषय आया कि हम गरीब परिवार से हो, हम राजनीति में कैसा, ऐसा एक सवाल है। मित्रों आप गरीब है अमीर है इन चीजों की चिंता छोड़ दो, एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। मित्रों मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है, मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में, और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा और इसलिए दोस्तों आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मित्रों लेना पाना बनना ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दूं। यहां पर एक सवाल आया सेक्युलरिज्म की आपकी डेफिनेशन क्या है, मैं तो हमारे देश में सेक्युलरिज्म की बहुत डेफिनेशन हुई है, मैंने अपनी डेफिनेशन बनाई है, नेशन फर्स्ट इंडिया फर्स्ट। हम जो भी निर्णय करें अगर वो भारत की भलाई के लिए है तो उससे बड़ा तो सेक्युलरिज्म नहीं होता है। सर्व पंथ संभाव, हर रिलीजन के लिए संभाव होना चाहिए, कोई अपना कोई पराया नहीं।
appeasement to none. No vote bank politics. गरीब गरीब होता है फिर वो मंदिर में जाता है कि मस्जिद में जाता है गुरुद्वारा में जाता है, ये कोई मायना नहीं रखता है। गरीब गरीब होता है, उसको शिक्षा चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए, माँ बाप के लिए दवाई चाहिए, ये धर्म होता है मित्रों। और मैं साफ मानता हूं मित्रों, सरकार उसका एक ही धर्म होता है, सरकार का एक ही मजहब होता है, और वो मजहब होता है इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, और वो धर्म ग्रंथ होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, 125 करोड़ नागरिक। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास, नो डिस्क्रिमिनेशन। और इसलिए भाइयों बहनों, कुछ लोगों के लिए सेक्युलरिज्म ये सिर्फ भले भोले गरीब लोगों की आंख में धूल झोंकने का एक छोटा सा हथियार है। ये सारे डायलॉग प्रधानमंत्री जी को कुछ पता नहीं, मैं हैरान हूं, कल विमान में बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी को मालूम है वो 80 के दायके के डायलॉग है, 21वीं सदी है, आज देश को विकास चाहिए, नौजवानों को अपना भविष्य बनाना है, गांव को पीने का पानी चाहिए, किसान को खेत में पानी चाहिए, ये लोगों की मांग है। कह दिया हूं, कहते रहो। देश बहुत आगे निकल चुका है, जनता की आंख में धूल झोंकने वाले, जनता को मूर्ख बनाने वाले लोगों को लोग पहचान गए। भाइयों बहनों, दुनिया का यह सबसे युवा देश, 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की। मित्रों, नौजवानों की ताकत क्या होती है, मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहां गुजरात में पंचायतों के चुनाव में एक समरस योजना चलती है, गांव मिलकर के बैठ करके, गांव के सब मिलकर के सर्वसम्मति से अपना पंचायत का बॉडी बनाते हैं, और बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। हमारे यहाँ एक गांव ऐसा है आनंद डिस्ट्रिक्ट में, वहां के गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर के तय किया कि हम पंचायत का काम 24 साल से नीचे की आयु को देंगे, बिलो 24। दूसरा उन्होंने निर्णय किया कि बेटियों को देंगे, लड़कों को नहीं। उस पंचायत का सारा कारोबार 19, 20, 22 साल की बेटियां कर रही हैं मित्रों, कुछ तो अभी पढ़ भी रही है। और मैं विश्वास से कहता हूं, इतना बढ़िया शासन उन नौजवान बच्चियों ने चलाया है, गर्व होता है। हमारे यहां विमेन एम्पावरमेंट की चर्चा हो रही थी, जब तक हम हमारी माताओं बहनों को आर्थिक सामर्थ्य नहीं देते थे, अगर उसको सुबह उठते ही सब्जी के लिए हाथ फैलाना पड़ता है तो विमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। पति से मांगना पड़े, भाई ने उसको आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान बनाना बहुत जरूरी होता है। दूसरी आवश्यकता होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसकी आवाज होनी चाहिए,
आजकल क्या होता है, घर में भी बाप और बेटा दो बातचीत करते होंगे और किचन में से माँ आकर के थोड़ा इंटरेस्ट लेती है तो बेटा क्या बोलता है, मम्मी तुम किचन में काम करो, ये तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, यानी माँ को भी अंदर भेज देते हैं। ऐसा होता है ना घरों में, आप लोग नहीं करते होंगे। मित्रों ये जो सोच है ना, वो सोच बदलनी पड़ेगी, ये सोच बदलनी पड़ेगी। मित्रों हमारे देश के विकास के अंदर ये 50% जनसंख्या को सक्रिय भागीदार बनाएंगे, देश अपने आप नई ऊंचाइयों को पार करेगा। पश्चिम के लोग हमारे यहां सोचते हैं वो सही नहीं है। हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा था कि हमारे देश में आज भी कृषि क्षेत्र, आज भी एनिमल हस्बेंड्री, ज्यादातर अब तो हेल्थ सेक्टर भी एंड एजुकेशन सेक्टर, ये चार पर तो पूरी तरह महिलाओं का ही कब्जा है। कहीं पर भी देखिए बहुत बड़ी मात्रा में महिला इसमें एक्टिव है, काफी अच्छा परिणाम दे रही है, उनके अंदर एक सामर्थ्य है। उनको सम्मान देने की जरूरत है, उनको अवसर देने की जरूरत है और उनको उनका नेतृत्व भी हमें स्वीकार करने की हमारे में तैयारी चाहिए हर क्षेत्र में। तो आप देखिए एम्पावरमेंट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और भारत एक ऐसा देश है मित्रों, ये एशियन कल्चर का हिस्सा है। हम ही लोग हैं जिन्होंने विमेन लीडरशिप को स्वीकार किया है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो, इंडिया हो, ये एशियन कल्चर का हिस्सा है। हमारे यहां टकराव नहीं है लेकिन उसको केयरफुली एम्पावर करने की आवश्यकता है और बड़ी सहजता से हो सकता है। तो हमारी 50% पॉपुलेशन विकास यात्रा में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर करके आ सकती है और हम उसको जोड़ सकते हैं, हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मित्रों हमारे यहां बहुत सी चीजें हैं जिसको करने के लिए कोई बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। एक बार प्रधानमंत्री से मेरी बात हो रही थी, मतलब कि मैं बोल रहा था, यहां अभी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को लिए बड़ा अच्छा एक नया विचार किडनी टर्मिनोलॉजी कर लेकर के नौजवानों ने रखा है। तो मैंने प्रधानमंत्री से विषय निकाला, मैंने कहा साहब ये JNNURM चल रहा है अपना, उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचना चाहिए। उन्होंने पूछा क्या है आपके मन में, हमने कहा अभी तो हम मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, ब्रिजेज बना रहे हैं, रास्ते चौड़े कर रहे हैं, उससे भी आगे हमने नया सोच रहा है। मतलब क्या, हमने कहा पूरे हिंदुस्तान में हम 500 सिटीज को छाटे और वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसके लिए बिल्कुल आधुनिक तरीके से हम काम खड़ा करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर से फर्टिलाइजर बनाए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके वो पानी किसानों को देने की व्यवस्था कर दें। हर बड़े शहर के अगल बगल के जो गांव होते हैं वो ज़्यादातर सब्जी की खेती करते हैं क्योंकि उनको तुरंत बाजार मिल जाता है, शहर में सब्जी बिकने को आती है। हैदराबाद होगा तो हैदराबाद के अगल बगल के जो छोटे छोटे गाँव होंगे वहाँ के किसान सब्जी पैदा करते होंगे ताकि हैदराबाद में उनको मार्केट मिल जाता है। हमने ये फर्टिलाइजर उनको देना चाहिए और उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और वो जो केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं उसके बदले में ये फर्टिलाइजर उपयोग करेंगे, उसके कारण सब्सिडी बच जाएगी। हमने कहा उस सब्सिडी को वायबिलिटी गैप फंडिंग में देना चाहिए, ये मैं उनसे बोल रहा था, वो तो अर्थशास्त्री है। उन्होंने 2-4 सवाल भी पूछे क्योंकि वो प्रोफेसर थे, तो उन्होंने बाद में मुझे कहा मोदी जी
आप ऐसा करो मुझे एक रिपोर्ट बना के दो। हमने रिपोर्ट बनाई, बाद में मैं उसके पीछे लगा रहा, मैंने कहा साहब उसका क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसा करो प्लानिंग कमीशन को दिखाओ। प्लानिंग कमीशन को दिखाए, फिर कहा श्याम पित्रोला जी को बताओ, उनको भी बताया। मैं बताते 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 थक गया, आपको भी बता दिया। उसके बाद मित्रों हमने कहा ये करे या ना करे, हमने गुजरात में तय किया कि हम 50 टाउन पकड़ेंगे और हम इसके पीछे गुजरात का पैसा लगेगा तो लगेगा, लेकिन हम इसको करके देंगे। मित्रों अगर हमारे शहर हम साफ सुथरे कर देते हैं, नीट एंड क्लीन, हमारे वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करके उस पानी का उपयोग कर लेते हैं, मित्रों आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। उसमें जो खर्चा होता है वो भी बच सकता है, न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि बगल बगल के गांव में से सब्जी सस्ती आएगी, सब्जी जितनी ज्यादा खाएगा गरीब आदमी न्यूट्रिशन के प्रश्नों के समाधान के लिए वो काम आएगा। मित्रों एक छोटी चीज को हाथ लगाने से भी अनेक समस्याओं के समाधान खोजे जा सकते। लेकिन मुझे एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी क्या लगता है चुनाव जल्दी आएंगे क्या, मैंने कहा भाई चुनाव जल्दी आना है या नहीं आना है उसका कोई निर्णय तो करना पड़ता है ना। जो सरकार निर्णय न करने के लिए मशहूर हो वहां कोई निर्णय होगा ये सोचना ही बेकार है। मित्रों लोकतंत्र में हमारे देश के युवा की भागीदारी है, उसकी शुरुआत होती है वोटर्स राइट में, मतदाता एक अधिकार। हम पहली बार जब स्कूल जाते हैं बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा पूरे मोहल्ले में हमारी माँ इतनी मिठाई बांटती हैं, स्कूल में भी जाते हैं तो मिठाई बांटते हैं, टीका लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, करते हैं कि नहीं करते, बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, तो होती है बच्चे की शादी होती है सारे रिश्तेदारों को बुला करके बड़ी धामधूम से हम शादी करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं। मित्रों जब ग्रेजुएशन होता है फाइनल सेरेमनी होती है उसमें भी पूरा परिवार आता है। 18 साल की उम्र होने पर मत का अधिकार मिलना वो इन घटनाओं से जरा भी छोटी घटना नहीं है, लेकिन हमारा हमें वो गर्व महसूस नहीं होता। आधुनिकता के साथ टेक्नोलॉजी के साथ विश्व के सामने यह देश सर ऊंचा करके खड़ा हो उस रूप में जाना चाहिए। मित्रों इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला, दिन भर अनेक नए विचार सुनने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।